नहीं वो जरूरी ज्यादा है क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे वही कर रहे थे, तो उसके अंदर हमको क्या मिला, दुख मिल रहा था उसके अंदर, अल्टीमेटली गोल दुख है उसके अंदर, बेनिफिट। और इसके अंदर सुख मिल रहा है, जितना पढ़ाई मतलब भगवदगीता तो जितनी बार पढ़ रहा हूँ उतना उतना इंटरेस्ट आ रहा है, कई बार रिविजन हो गई, बार बार में ऐसा लगता है न्याय ही पढ़ रहा हूँ। मुझे भागवतम भी दी, भागवतम मैंने जैसे स्टार्ट किया पर वापस भगवदगीता ही वापस गया था, वो उसमें इंटरेस्ट बार बार आता है। ये भौतिक जगत के जो कुछ है वो एक समय सब कुछ छोड़ते जाते हैं, कुछ भी हम साथ नहीं ले सकते, लेकिन भगवान के साथ जो संपर्क बन रहा है वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के जो कुछ है, चाहे संपदा विद्या यश, मृत्यु के समय हमको सब छोड़ के जाना है, क्योंकि ये शरीर के संपर्क में, तो हम जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर के साथ साथ जो कुछ था उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के साथ जो संपर्क जो है वो आत्मा का संपर्क, और चूंकि आत्मा नित्य है इसलिए आत्मा का जो कुछ मिल रहा है उसको आत्मा के साथ ही रहता है, और भगवान का साथ जो संपर्क है, संपर्क का मतलब प्यार, जब प्यार रहता है तो संपर्क होता है, जब प्यार नहीं रहता है तो संपर्क नहीं रहता, और प्यार के विपरीत भाव जो विद्वेष, विद्वेष तो संयुक्त होने का संपर्क बनाने का उपाय केवल प्यार, लेकिन ये प्रेम भगवान के साथ संपर्क, और ये बहुत अच्छा बात है कि तुम भगवत गीता पढ़ने में इतना उत्साही बने, भगवत गीता से भगवत गीता के प्रति ये जो अनुराग है ये भगवान के प्रति ही आकर्षण, भगवान की वाणी के प्रति आकर्षण का मतलब है भगवान के प्रति, तो सही मार्ग नहीं गया है, इस मार्ग में रहकर जरूर, लेकिन असल सहयोग को उन्होंने दे रखा, इस सहयोग को सही रूप से अपनाना, उसके सदुपयोग करने, ये है प्रभुपाद की कृपा। देखो ये जो है ये परशमणि जैसे, परशमणि परशमणि जिसके स्पर्श से सब कुछ सोना बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक स्पर्श परशमणि जो है उसके प्रभाव से, उसके स्पर्श से दिव्य ज्ञान आता है, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, भगवान के विषय में जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद के स्पर्श संस्पर्श से आने में, आने से प्रभुपाद के संस्पर्श में आने से मेरा कुछ ज्ञान होगा, और कुछ ज्ञान इन सबों को मैं दिया और ये लोग आपको दे रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा, आप भी इस ज्ञान प्राप्त होकर, होकर नहीं, वो तो हो चुका है, उसको बांटते रहे।
इसके प्रभाव से ही बढ़ता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया, इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसका कर्तव्य है अपना जन्म सार्थक बनाकर दूसरे को उपकार करना। और सही उपकार कैसी है? सही उपकार है सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करना, कृष्ण का जो शिक्षा है और कृष्ण के बारे में जो हमें बताया गया है उसको बचाना। मतलब अमर आज्ञाए गुरु हो, मैं निर्देश दे रहा हूं कि गुरु बन जाओ, ये जो कुछ कर रहे हैं गुरु, तो मतलब गुरु बन गए, चाहे इसको स्टैंप लगाया या नहीं, क्योंकि काम गुरु का। क्योंकि चारे देखो तारे कहो कृष्ण, जिसके साथ तुम्हारा मुलाकात हो उनको ही भगवान के बारे में वो लोग कर रहे हैं, आप भी करते रहे, है ना। और इसके प्रभाव से सारा दुनिया का कल्याण, पृथ्वी का हाल बहुत ही खराब है, और इस स्थिति को सुधारने का संभावना केवल देखिए, ये है करुणा की मान्यता। इसकी भगवान की कृपा से, इस वाणी के प्रभाव से इस जगत का हाल परिवर्तन होगा, हाल का जगत का जो स्थिति है उसको, संकटमय स्थिति जो है उसको निभाना। और तुम भी एक साथ मिलजुल के प्रचार कर रहे हो, और बच्चे लोग तुम आप भी भगवान को स्वीकार कर लिया। भगवद गीता में भगवान का अंतिम निर्देश क्या है तुमको पता है? नहीं पता तो होना चाहिए। भगवान क्या बोला? मेरे शरण में आ, बोला ये पता था, माम एकम शरणम व्रज। तो जब हम किसी को शरण ले लेते हैं तो हमारा सुविधा होता है, जैसे तुम तुम्हारे पिताजी के शरण में हो, बस तुम्हारा कोई चिंता है तो सारे चिंता पिताजी को डाल दिया। तो वैसे ही भगवान के शरण लेने से भगवान हमको देखभाल करेंगे। ऐसे अब पिताजी तुम्हारा देखभाल कर रहे हैं, बल्कि तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुमको पिताजी को देखभाल कर रहे हो। लेकिन भगवान को शरण लेते हो तो तुम्हारा भी, पिता जी को भी, माता जी का भी, भाई का भी, सबको भगवान समान। तो भगवान की शरण लेना चाहिए, बहुत अच्छा। जब मुश्किल होता है तो क्या करते हो? किसको बुलाते हो? वेरी गुड कृष्ण। तुम भी जब मुश्किल में आते हो तो क्या करते हो? और कुछ प्रश्न है या कुछ कहना है? आपने सिखाया हरे कृष्ण।